देश में रेप की घटनाओं पर आज बहस छिड़ी है। हैदराबाद में महिला डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई, तो वहीं उन्नाव में एक और लड़की के साथ गैंगरेप के बाद जिंदा जलाकर मार दिया गया। अफसोस की बात यह है कि भारत में बढ़ती यौन हिंसा के बीच एक देश की बेटी ने दम तोड़ दिया। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार बलात्कार की घटना 17 साल बाद लगभग दुगनी हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश 2017 में 5,562 के साथ सबसे असुरक्षित राज्य है। इसके बाद राजस्थान 3,305 और केरल में 2,003 महिलाओं के साथ रेप के मामले दर्ज हुए हैं। बिहार में बलात्कार के मामलों में गिरावट आई। तमिलनाडु, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड समेत कई राज्य हैं जहां बलात्कार के मामलों में कमी आई है। वहीं 2012 में निर्भया गैंगरेप के बाद सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। सरकार ने मौजूदा कानून में संशोधन किया और इसे और अधिक कठोर बना दिया, जिससे बलात्कारियों के लिए जेल की सजा दुगनी की। लेकिन देश में महिलाओं के खिलाफ हालात रुकने के बजाय बढ़ते चले गए। देश के नेता इस बात में उलझे हैं कि भारत रेप इन इंडिया है या रेप कैपिटल, जो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बयानबाजी करते हैं। जब रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बारी आती है तो सब खामोश। न्यूज़ डेस्क।